हेलो गाइस, आज हम बूटस्ट्रैप में देखने वाले हैं कि टेक्स्ट कलर की क्लासेस कौन सी होती है बूटस्ट्रैप के अंदर। मतलब टेक्स्ट कलर का मतलब है कि मान लो कि आपको किसी टेक्स्ट को ग्रीन करना है, येलो करना है, रेड करना है, इसके लिए क्या है टेक्स्ट की क्लासेस बनी हुई है। अब देखिए आप क्या करते हैं, आप अपनी क्लास बना के कलर की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, पर वो लॉजिक क्या होगा कि आप इंप्लीमेंट तो कर ही सकते हैं मगर वो उस लॉजिक के लिए आपको क्लास बनानी पड़ेगी, उसके अंदर प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। तो वो लॉजिक थोड़ा सा क्या करता है, बूटस्ट्रैप आसान कर देता है, और ये क्लासेस कुछ देता है जो उसने सोच रखा है। मतलब मान लो कि मैं आपसे कहता हूँ आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं और एरर मैसेज आता है, और एरर मैसेज कौन से कलर का होगा, एरर मैसेज हमेशा रेड कलर का होता है। तो उसने उस टाइप के लिए क्या कर रखे है, क्लासेस बना रखी है। कहीं पे सक्सेस पार्ट दिखाना है तो ग्रीन कलर की क्लास बना रखी है। अब कुछ आपको वार्निंग टाइप का दिखाना है तो वार्निंग से रिलेटेड क्लास बना रखी है। तो आज हम जो कलर की क्लासेस देखने वाले हैं वो मैं एक एक करके आपको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए टेक्स्ट की ये सारी क्लासेस हैं। अब देखिए पहली क्लास है टेक्स्ट म्यूटेड। म्यूटेड में थोड़ा क्या होगा, ग्रे कलर होगा, बस कलर का इफेक्ट है, और थोड़ा सा क्या होगा फॉन्ट फैमिली का इफेक्ट होगा। फॉन्ट फैमिली कौन सी होगी वो मैं जब प्रैक्टिकली करूंगा तब मैं बताऊंगा। देखिए टेक्स्ट प्राइमरी में थोड़ा सा क्या है, ब्लू टाइप का हो जाएगा, थोड़ा लाइट ब्लू। टेक्स्ट सक्सेस में ग्रीन कलर, टेक्स्ट इन्फो में मतलब क्या है थोड़ा डार्क ब्लू हो जाएगा, टेक्स्ट वार्निंग में येलो होगा, और टेक्स्ट डेंजर में क्या होगा रेड कलर होगा। तो आपको कभी भी कलर से रिलेटेड इस टाइप का कलर हो तो आप अलग से क्लास नहीं बनाएंगे, आप इन्हीं क्लास को क्या करेंगे वहां पे यूज करेंगे। तो चलिए मैं क्या करता हूँ इनको प्रैक्टिकली एक एक करके दिखाता हूँ, तब चीजें आपके सामने क्या होंगी, क्लियर होंगी। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इसके लिए। देखिए मान लो यही पैराग्राफ है, मैं एक काम करता हूँ इसको पी टैग में ले लेता हूँ, एक बार पी टैग में, और पी टैग में यहाँ पे क्या कर देता हूँ क्लोज कर देता हूँ। अब देखो मुझे क्या करना है, इसको रेड कलर में करना है। तो रेड कलर में करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, पी टैग के अंदर क्लास यहाँ पे यूज करेंगे टेक्स्ट डेंजर। जैसे आप टेक्स्ट डेंजर करेंगे ये रेड कलर में हो जाएगा। देखिए यहाँ नोटिस करिए ये क्या हो गया, रेड कलर में दिख रहा है। ये बस मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि कलर आपको ठीक से दिख जाए। अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट म्यूटेड करेंगे तो टेक्स्ट म्यूटेड में ये क्या हो जाएगा, थोड़ा ग्रे टाइप का कलर हो जाएगा। देखिए ग्रे टाइप का, नहीं तो कलर क्या होता है एकदम ब्लैक में आता है। अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट इन्फो करेंगे तो ये ब्लू टाइप का हो जाएगा कलर। देखिए टेक्स्ट प्राइमरी करेंगे तो थोड़ा सा लाइट ब्लू, थोड़ा ब्लू टाइप का है मगर लाइट ब्लू है। अगर आप टेक्स्ट सक्सेस करेंगे तो ग्रीन, देखिए ग्रीन टाइप का हो गया, और टेक्स्ट वार्निंग करेंगे तो ये क्या होगा आपका येलो कलर टाइप का होगा। देखिए थोड़ा येलो टाइप का हुआ है, मतलब कलर में ये प्योर नहीं कर रहा, थोड़ा सा हल्का टाइप का कलर कर दे रहा है। जैसे आपको वार्निंग शो करनी है, कहीं पर आपको रेड मैसेज शो करना है, तो आप अपनी क्लास बनाने नहीं जाएंगे, आप उसकी ही बनी बनाई क्लास को क्या करेंगे यूज करेंगे। एक बार एक काम करता हूं मैं इस क्लास को यहां पे डिव के अंदर यूज करता हूं, पी पे यूज नहीं करता, एक बार यहां पे डिव के अंदर यूज करता हूं और पी को हटाता हूं। थोड़ा सा कलर का इफेक्ट क्या होगा आपको तब भी पता चलेगा, क्योंकि क्या है कि बूटस्ट्रैप कुछ कलर पी पे भी अप्लाई कर देता है। देखिए पी पे कोई कलर वो अप्लाई नहीं कर रहा, वो केवल क्या कर रहा है, देखिए टेक्स्ट वार्निंग, टेक्स्ट प्राइमरी, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि वो करती क्या है और ये कलर का कॉम्बिनेशन बनाया किस लिए है। तो ये कलर की क्लासेस हैं। एक बार और मैं बता देता हूं आपको कलर की क्लासेस कौन कौन सी है। देखिए टेक्स्ट म्यूटेड, म्यूटेड टाइप का कलर पीपीटी में क्लियर आपको दिख रही है कि मैंने कौन कौन से कलर ले रखे हैं। टेक्स्ट प्राइमरी में क्या कलर आएगा, टेक्स्ट सक्सेस में क्या आएगा, टेक्स्ट इन्फो में क्या आएगा, टेक्स्ट वार्निंग में क्या आएगा, और टेक्स्ट डेंजर में क्या आएगा। आपको कलर से रिलेटेड कुछ भी काम करना होगा तो आप अपनी क्लास नहीं बनाएंगे। अगर आपको इसके अलावा कोई क्लास मिलती है, आपको इसके अलावा अगर कोई और कलर यूज करना है तो आप अपनी क्लास को क्या करेंगे बनाएंगे। तो ये टेक्स्ट कलर से रिलेटेड क्लास थी। अब देखिए हम जो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे वो देखेंगे कि बैकग्राउंड अगर कलर से रिलेटेड क्लास देखनी है तो कौन कौन सी बैकग्राउंड कलर से है। यहाँ पे बटन से रिलेटेड भी आपको क्लास मिलेंगी, यहाँ पे फॉर्म से रिलेटेड भी क्लास मिलेंगी। तो हम पहले सारी क्लासेस को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, जिससे चीजें क्या हो जाएंगी आपके पास क्लियर हो जाएंगी।